सो फ्रेंड, जैसे कि मैं आज आपको बता रहा हूँ कि जियो पेमेंट बैंक का जो अकाउंट है कैसे ओपन करें। देखिए, यहाँ पे बैंक वाला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे, और जैसे कि ये जियो बैलेंस का अकाउंट है, यहाँ पे फ्री वर्चुअल डेबिट कार्ड भी आपको प्रोवाइड हो रहा है। तो यहाँ पे गेट स्टार्ट पे वाले ऑप्शन जो है उस पर क्लिक करेंगे, तो देखिए सक्सेसफुली एक आपको OTP प्राप्त होगा, और यहाँ पे हम एम पिन का जो है जनरेट करेंगे। तो एम पिन जैसे कि मैं जनरेट कर रहा हूँ, और कन्फर्म एम पिन डालेंगे। यहाँ पे एम पिन कन्फर्म करने के लिए डालेंगे जो भी हमने एम पिन डाला है, कंटिन्यू करेंगे। और यहाँ पे देखिए जो बैनर है जियो पेमेंट बैंक का, ज्वाइन नाउ, इस वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे अपना अकाउंट ओपन के लिए। और यहाँ पे देखिए हमें पैन कार्ड और आधार कार्ड का होना बहुत ज़रूरी है। लेट स्टार्ट करेंगे, जैसे कि एक OTP हमारे पे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जनरेट होगा, सबमिट कर देंगे। यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन है, सब पे चेक पोस्ट पर क्लिक करेंगे और आई एक्सेप्ट करेंगे। जैसे कि हमारा आधार नंबर है, आधार नंबर मेंशन करेंगे और सेंड OTP क्लिक करेंगे, तो हमारे जो आधार कार्ड वाला मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP प्राप्त होगा। तो जैसे कि OTP प्राप्त हो जाएगा तो हम यहाँ पे सबमिट कर देंगे, जैसे कि मैं करके बता रहा हूँ। जैसे कि हमारी जो पर्सनल डिटेल्स है वो शो हो जाएंगी, हम अपनी मेल आईडी डालेंगे और नेक्स्ट करेंगे। और यहाँ पे जो भी फाइनेंशियल डिटेल्स है, यानी कि पैन कार्ड है, मैरिटल स्टेटस है, फादर नेम है, मदर नेम है, और जो भी आपको ऑक्यूपेशंस है वो ऑक्यूपेशंस हम मेंशन करेंगे यहाँ पे, और अपना जो भी इनकम सोर्स है वो डाल के चेक पोस्ट पे क्लिक करके और इसको हम नेक्स्ट कर देंगे, जैसे कि मैं करके बता रहा हूँ। और यहाँ पे देखिए जो भी आपका करंट एड्रेस है, परमानेंट एड्रेस है, वो एड्रेस हम मेंशन करेंगे। अगर करंट एड्रेस अलग है तो यहाँ पे चेक पोस्ट पे क्लिक करेंगे और करंट एड्रेस भी मेंशन करके उसको नेक्स्ट कर देंगे, जैसे कि मैं करके बता रहा हूँ आपको। नेक्स्ट कर दिया। और यहाँ पे देखिए एक नॉमिनी हमें ऐड करना होगा, जैसे कि नॉमिनी अगर आप आपका है तो यस करेंगे और नॉमिनी का डिटेल्स डालेंगे और नेक्स्ट करेंगे। अभी नॉमिनी हम बाद में भी ऐड कर सकते हैं, इसलिए हम नो करके और नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो हम हमारे अकाउंट्स की डिटेल्स हैं, जो भी हमने नाम एड्रेस मेंशन किया हुआ सारा दिखाया जाएगा, प्रोसेस पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पे देखिए वीडियो KYC के लिए हमारा जो है आ गया है। तो वीडियो KYC बोलता है, सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 9 बजे तक आप वीडियो KYC कर सकते हैं। जब भी आपको वीडियो KYC करना हो तो उसके बाद प्रोसेस पे क्लिक कर देंगे। और जैसे कि स्टार्ट कॉल विद द एजेंट, तो एक एजेंट, जैसे स्टार्ट कॉल विद द एजेंट पे कॉल करेंगे आप, तो वहाँ से ही कॉल आएगी एजेंट की तरफ से। आपको पैन कार्ड और आधार कार्ड का होना बहुत ज़रूरी है, आपको लाइव दिखाना होगा। और जैसे कि एक और चीज़ बताते हैं, लाइव आपका एक फ़ोटो खींचेगा और एक वाइट पेपर पे सिग्नेचर भी करके देना होगा एजेंट को। और जैसे कि आपका वीडियो KYC कंप्लीट हो जाएगा गाइस, तो आपके पास एक OTP और आपके पास एक मैसेज जनरेट होगा, कॉन्ग्रेचुलेसन आपका जो अकाउंट ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर देखिए जो भी हमारा बैनर है, बैंक अकाउंट्स है, वहाँ पर क्लिक करेंगे और एम पिन मैंशन करेंगे, कन्फर्म करेंगे। तो ये जो हमारा बैनर है, यहाँ पर हमारे जो अकाउंट्स की डिटेल्स है वो मैंशन होने लगेगी, यानी कि दिखने लगेगी। और एक और चीज़ बता दूँ, जैसे कि ये जियो पेमेंट का जो बैंक है, इसका हम UPI भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे बैंक हम सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद जियो पेमेंट बैंक लिखेंगे। यहाँ पे जियो पेमेंट बैंक, जैसे कि मैं UPI ऐड कर रहा हूँ, जियो पेमेंट बैंक लिख दिया मैंने, और इसको हम UPI से लिंक कर लेंगे। जैसे कि मैं लिंक हो गया है मेरा, और जो भी आपको अब देखिए सेंड मनी करना हो, या किसी को मनी भेजना हो, या मनी ट्रांसफ़र करना हो, या कोई रिचार्ज करना हो, मोबाइल रिचार्ज करना हो, वो सारी सुविधाएं जो भी UPI में होती हैं, वो सारी सुविधाएं हमारे जियो पेमेंट बैंक में भी अवेलेबल हैं। तो गाइज, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जियो पेमेंट बैंक का अकाउंट जो है कैसे ओपन करें, तो हमारी वीडियो अच्छी लगे तो गाइज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।